press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे शनि महाराज 2020 में आप लोगों को करोड़पति बनाएंगे कि लखपति। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। इस वीडियो में हम आपको शनि की साढ़े साती व ढैया के बारे में समझाएंगे, शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के बारे में उपाय बताएंगे जिसमें रत्न यानी कि मणि चिकित्सा, मंत्र चिकित्सा, व्रत उपवास और दान के बारे में हम आपको बताएंगे और कुछ ऐसे विविध उपाय भी आपको बताएंगे जिससे आप शनि की पीड़ा कम कर सकते हैं। ब्रह्मांड में शनि को सबसे रहस्यमय व चर्चित ग्रह माना गया है। नीलवर्ण के शनि देव भगवान सूर्य तथा छाया के पुत्र हैं। बृहस्पति के बाद शनि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। ज्योतिष में इन्हें न्याय का देवता कहा गया है। ये व्यक्ति को उसके किए हुए का दंड देते हैं। अनुकूल दशा अंतर दशा में व्यक्ति ने जो दुराचार अनाचार पापाचार या कोई गलत काम कर रखा है तो उस व्यक्ति को उसका परिणाम शनि की महादशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा शनि की साढ़े साती व ढैया में मिल जाती है। तो मित्रों अब बात करते हैं सन 2020 में कर्क राशि पे शनि के प्रभाव के बारे में। इस वर्ष 24 जनवरी से शनि आपकी राशि से सप्तम स्थान में जाएंगे। शनि का ग्रह परिभ्रमण मिश्रित फलकारी रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार के तीव्र योगायोग बनते हैं। आपकी मेहनत व परिश्रम सार्थक रहेगा। नवीन पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है। परिवार में कभी कभार जरूर तनावपूर्ण वातावरण रह सकता है। पति पत्नी के मध्य छोटी मोटी नोकझोंक की स्थिति रहेगी। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति व बुजुर्ग का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा। जहाँ तक आर्थिक पक्ष व व्यापार की बात है स्थितियाँ पक्ष में रहेंगी। नया निवेश होगा, नया निवेश सार्थक रहेगा। मित्र आपको सहयोग करेंगे। राजकीय मामले व कोर्ट केस से संबंधित मामले अधर झूल में लटके रहेंगे। शत्रु व विरोधी हावी रहेंगे, हालांकि कुछ बिगाड़ या अहित नहीं कर पाएंगे। इस समय अवसर व अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। किसी बड़े व राजनीतिक व्यक्ति से आपका संपर्क बनेगा, हालांकि उसका कुछ खास लाभ व प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। सप्तम स्थान में शनि के परिभ्रमण के कारण पति या पत्नी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। जो काम आप काफी समय से करने की सोच रहे थे उसमें आपको आंशिक रूप से सफलता मिल जाएगी। नौकरी में सावचेत रहने की आवश्यकता है, हालांकि अधिकारी व सहकर्मियों से आपको वांछित सहयोग प्राप्त हो ही जाएगा, परंतु अजनबी व अपरिचित व्यक्तियों से व्यवहार में सावधानी रखें। तो मित्रों अब हम आपको समझाते हैं कि शनि की साढ़े साती व ढैया होती क्या है। किसी भी व्यक्ति की राशि से शनि जब बारहवें या उसकी स्वयं की राशि में या राशि से दूसरे स्थान में गोचरवश परिभ्रमण करते हैं तो शनि की साढ़े साती कहलाती है। यह जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है साढ़े सात वर्ष चलती है। इसमें व्यक्ति को भयंकर दुख उठाना पड़ता है। शनि की गोचर वर्ष तिथि आपकी राशि से चौथे व आठवें भाव में होने से शनि की ढैया कहलाती है। साढ़े साती का प्रभाव साढ़े सात वर्ष तक व ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष तक रहता है। शनि प्रत्येक राशि में ढाई वर्ष रहता है, अतः तीनों राशियों में साढ़े सात साल तक चलता रहेगा। शनि बारहवें स्थान में हो तो ढाई वर्ष तक उसकी दृष्टि कहलाती है। तो मित्रों अब हम आपको बताते हैं कि शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के कुछ उपाय। शनि की साढ़े साती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए दान पूजन व्रत मंत्र रत्न धारण आदि उपाय शास्त्रों में वर्णित हैं। शास्त्र कहते हैं औषधि मणि मंत्राणाम ग्रह नक्षत्र तारिका भाग्य भवेत सिद्धि अभाग्यम निष्फल भवेत। सबसे पहले औषध उसके बाद मणि और तत्पश्चात मंत्र चिकित्सा का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। तो मित्रों सबसे पहले हम आपको बताते हैं रत्न यानी कि मणि चिकित्सा के बारे में। तो इसमें सबसे पहला उपाय है कि आप 5.25 रत्ती का नीलम या नीलम का उपरत्न नीली त्रिलोह यानी कि सोना चांदी और तांबे की अंगूठी में अभिमंत्रित करवा के पहन ले। दूसरा उपाय है शनि यंत्र के साथ
नीलम या फिरोजा रत्न गले में लॉकेट के माध्यम से, जिसे हम पेंडेंट कहते हैं इंग्लिश में, उसकी आकृति में पहन सकते हैं। यह भी एक उत्तम उपाय है। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं मंत्र चिकित्सा के बारे में। किसी भी विद्वान ब्राह्मण द्वारा या स्वयं शनि के तंत्रोक्त वैदिक या पौराणिक मंत्रों के 23,000 जाप करें या कराएं। शनि का तंत्रोक्त मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं व्रत और उपवास के बारे में। शनिवार का व्रत रखें। इस दिन एक समय सायकाल में ही भोजन करें। मित्रों, अब हम आपको दान के बारे में बताते हैं। शनि संबंधी उपचार करने के बाद उपवास खोलने पर दान अवश्य ही करना चाहिए। दान के अंतर्गत आप कीड़ी, नगरा, सींचे, चींटियों को भोजन कराएं। तीसरा, काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, तेल, चरण पादुका जिसे आज के युग में जूते कहते हैं, काला वस्त्र, मोटा अनाज व लोहे के पात्र का दान करना चाहिए। मित्रों, अब हम आपको बताते हैं शनि की पीड़ा कम करने के कुछ विविध उपाय। तो पहला उपाय है, शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए 7 प्रकार के अनाज व दालों को मिश्रित करके पक्षियों को दाना दें। दूसरा उपाय है, बैंगनी रंग का सुगंधित रुमाल पास में रखें। तीसरा उपाय, शनि मंदिर में शनि की मूर्ति पर तिल का तेल जरूर चढ़ाएं। चौथा, शनि भगवान के सामने खड़े रहकर दर्शन नहीं करें, किनारे में खड़े रहकर दर्शन करें, जिससे शनि की दृष्टि आप पर ना पड़े। पांचवा, शनि न्याय के देवता हैं, अतः उन्हें हाथ नहीं जोड़ा जाता। दोनों हाथ पीछे करके सर झुकाकर उन्हें नमन करें, जिस प्रकार व्यक्ति न्यायाधीश यानी कि जज के सन्मुख खड़ा होता है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अपने और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए। और देखते रहिए मोटू लाला, अपने समस्त ज्योतिषीय सवालों के जवाब आप हमसे मुफ्त में जान सकते हैं हमें हमारे लाइव सेशन में ज्वाइन करके। तो देखते रहिए मोटू लाला, और अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते।